मैक्सी सिटी रेलवे लाइन के पास उस समय सनसनी फैल गई जब शक्त विशक्त शव खेत में पाया गया। कंट्रोल रूम को उसकी सूचना दी गई है, जिसके बाद मौके पर आईएमटी थाना पुलिस पहुंची। पुलिस को सूचना देने वाले अस्थल बोहर के रहने वाले ईश्वर हुड्डा का कहना था, कनेहली गांव में उसके मामा के खेत हैं और वे वहां पर खेती करता है। आज सुबह जब वे खेत में पहुंचा तो वहां पर बदबू आ रही थी और कुत्ते कुछ नोच रहे थे। पास जाकर देखा तो युवक का शव दिखाई दिया, जिसके बाद उसके बेटे ने पुलिस को सूचना दी। ये मामा के खेत थे जी, तो ये भी करे हैं तो हम वहाँ जिन्हें वो सुबह हम वो निकालने आए जब तो ये बदबू है, जब देखा वो ये डेड बॉडी पड़ी है, या फिर हमने टेलीफोन करा पुलिस को। तो फिर क्या हुआ? वो पुलिस प्रशासन आ गया, देख रहा है अभी। तो कई दिन से पड़ी है या आज ही देखी? आज हम तो अड़ंगा निकालने आए थे, उन्हें यहाँ से उतरे ना तो बदबू ही आई। माँ की रोज रात माँ कट जाते कई बार, तब कुत्ते कत्ते देखे जागत, वो कुत्ते ने नोच रखी थी डेड बॉडी इसकी। फिर हमने पुलिस को 7:30 बजे फोन करा छोरे ने, तो पुलिस प्रशासन आ गए, इसकी देख देख कर रहे हैं। क्या है, आदमी है क्या? आदमी है जी। वहीं आईएमटी थाना पुलिस के सब इंस्पेक्टर सतीश कुमार ने बताया कि सूचना मिली थी कुत्ते ओमैक्स सिटी के नजदीक एक शव को नोच रहे थे। शव दो टुकड़ों में पड़ा हुआ था। प्राथमिक दृष्टि से लगता है कि किसी युवक की हत्या करके उसके शव की पहचान मिटाने के लिए ऐसी जगह फेंका गया। देखने से उम्र लगभग 25 से 30 वर्ष लग रही थी। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए PGI में भिजवा दिया है। आसपास के इलाकों व थानों में सूचना दे दी गई है ताकि शव की पहचान हो सके। आज सुबह कंट्रोल रूम से सूचना प्राप्त हुई थी कि ओमैक सिटी रेलवे लाइन पुल के पास खेतों में एक डेड बॉडी पड़ी है, कार्रवाई के लिए पहुंचो। तो इस सूचना पर मैं मौके पर पहुंचा, मौके पर आकर देखा तो एक डेड बॉडी जिसके अक्षत विक्षत जिस पड़ी हुई है, जिसको कुत्तों ने नोच रखा है, और उसको अपने FSL यूनिट मौका पर पहुंचने वाली है। उसको निरीक्षण करवा कर और पोस्टमार्टम के बाद जैसी सूरत होगी, जैसे हालात होंगे, कॉज ऑफ डेथ के बारे में पता करके आगे हमें कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। प्राथमिक दृष्टि से क्या लगता है? प्राथमिक दृष्टि से तभी बॉडी डिकम्पोज है, और वो तो डॉक्टर की राय के अनुसार ही पता चलेगा। क्या है, आदमी है, औरत है, और कितनी? देखने से आदमी की डेड बॉडी लग रही है। उम्र लगभग? उम्र का तो अंदाजा यही है, 25-30 साल के आसपास की उम्र लग रही है। गौरतलब है कि पुलिस मामले की फिलहाल जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हत्या के कारणों का खुलासा हो पाएगा। रोहतक से दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।